मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। हमारी रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता के नाम की ही होती है। और तो और, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, घी, दूध या फिर दही के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय अक्सर कूड़े के ढेर में या फिर सड़क किनारे जूठन खाती दिख जाती है? आखिर ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता पार्वती द्वारा गाय को दिए उस श्राप के बारे में, जिसके बाद से संसार की हर गाय जूठन खाने को मजबूर है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हमारे धर्म शास्त्रों में माता पार्वती द्वारा गौ माता को दिए गए एक श्राप का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था, और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ को हंसी ठिठोली करने की सूझी और वो अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति अर्थात शंकर को ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन उन्हें भोलेनाथ कहीं ना मिले। फिर क्या था, थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और भोलेनाथ के लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया लेकिन वो नहीं लौटे। सूरज ढलने ही वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा कि भगवान तो खुद इस संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती। ऐसे में वो जहां भी होंगे उन्हें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। ये सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा अर्चना करने लगी। और मित्रों, ये सब कुछ भगवान शिव अदृश्य होकर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता पार्वती ने नदी में पूजा सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा करी, आखिर ऐसा क्यों? तुम तो मेरे लौटने का इंतजार तक नहीं कर सकी, आखिर ऐसा क्यों? तब माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन रात होने वाली थी, ऐसे में मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा अर्चना की और अपना व्रत संपूर्ण किया। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारी बात पर मैं विश्वास करूं तो करूं कैसे, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा। तब उन्होंने महादेव से कहा कि ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन मित्रों, वो गाय भी भगवान शंकर की इस हंसी ठिठोली से वाकिफ थी, जिस कारण जब महादेव ने उनसे माता पार्वती द्वारा पूजा करने का प्रश्न किया तो गाय ने ना में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वो तो बस ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। ये कहकर वो माता पार्वती के साथ वहां से जाने लगे। लेकिन अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती सह न सकी और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तूने झूठ बोला है, उसी तरह अब तुझे जूठन ही खानी होगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, लेकिन तू हमेशा जूठन के पीछे भागेगी। ये सुनकर गौ माता रोने लगी और फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि वो तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। ये सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को ये आशीर्वाद दिया कि वो दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। तो मित्रों, माता पार्वती और गौ माता की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने ही दिव्य गुण क्यों ना हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम हमें कभी ना कभी उठाना ही पड़ता है, इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मित्रों, आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।